मैं भी चाहता हूं कि डॉक्टर यास्मीन सिर्फ आप यहां आज बता दें कि जो आपसे इनसे किया। जी मेरा ख्याल है फुटेज तो आप सारों ने देख ही ली होगी। असल जो बात मैं करना चाहती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक खातून को अगर आपने अरेस्ट भी करना है या पकड़ना भी है तो आपके पास लेडी पुलिस होनी चाहिए। हम सारी खवातीन थी, कोई लेडी पुलिस वहाँ, आपको अगर आप लोग फुटेज देखें तो कोई लेडी पुलिस नहीं थी। और क्योंकि पुरमन एहतजाज था, गाड़ी मैं खुद ड्राइव कर रही थी। पहले तो इन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटने की कोशिश की, जिसके अंदर तीन आपको पता है मुस्टंडे जो थे वो खींच रहे थे मुसलसल, और उसकी भी फुटेज मेरा ख्याल आप सारों ने देखी। और जब मैं बाहर निकली और उस वक्त तक यानी मैं 10 बजे से वहाँ खड़ी थी और 12:30 उस वक्त तक हो चुके, उन्होंने इतनी टेयर गैस फेंक चुके थे, हमारे लड़के जो हमारे कारकुन थे उनको इतना उन पर तशद्दुद कर चुके थे कि मैं बतौर एक माँ मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो मैंने कहा मैं गाड़ी आगे जाके ये जो लाइन पुलिस की खड़ी है, यहाँ कोई बड़ा बंदा तो खड़ा ही होगा ना, मैं उससे पूछूँ कि कब तक तुम ये करते रहोगे, खुदा के वास्ते को रहम करो हमारे हाल पर। मैंने जो गाड़ी उनके पास लेकर, अगर आप वो फुटेज देखें तो आपको ये भी नज़र आएगा कि गाड़ी में बंदा जाके रोकी मैंने गाड़ी और मैंने कहा कि मैं किसी से बात कर लूँ। उन्होंने इस तरह डंडे बरसाए कि अगर मैं वहाँ से गाड़ी ड्राइव करके ना निकलती तो शायद उन्होंने मुझे भी मार डालना था। और जिस तरीके से जंगलियों की तरह वो पीछे भागे, मैं 72 साल की होने वाली हूँ और ये पहली दफ़ा नहीं है कि मैं एहतजाज में शामिल हुई हूँ। 16 साल की उम्र से मैं एहतजाज कर रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में इस तरह की गुंडागर्दी कभी नहीं देखी और न कि इस तरह की जो मैं कहती हूँ तशद्दुद जिस तरह किया जा रहा था, जिस तरह टेयर गैस किया जा रहा था मैंने। और फिर जो सबसे तकलीफ दे चीज़ थी ये हमने ये देखा कि राइटर्स जो है ना वो जाके तोड़ते हैं प्रॉपर्टी। हमने सब ने देखा, मीडिया ने इसको देखा, रिकॉर्ड किया कि इन्होंने प्राइवेट गाड़ियां जो साइड्स पे खड़ी थी ये इनके गुलू बटों ने उन सारी गाड़ियों को तोड़ा, उनकी विंडशील्ड्स तोड़ी। बल्कि मेरी एक गाड़ी जो पीछे खड़ी भी थी, क्योंकि उसके ऊपर खान साहब की और मेरी तस्वीर है, उन्होंने उस गाड़ी की भी जाके विंडशील्ड, वो खाली गाड़ी थी, उसकी भी जाके विंडशील्ड तोड़ दी। इसलिए और सबसे बड़ी बात है वो कहते हैं ना जी ये जो चार दीवारी वाली बात, मैं वहाँ गवाह हूँ इस बात की कि हमाद अज़हर के घर के अंदर पुलिस टॉप के आ रही थी और मैं अपनी वीडियो से दिखा रही थी इनको अपना मीडिया को कि ये देखें ये पुलिस जो है ये टॉप के आ रही है और इनके पास कोई किसी किस्म के, ये जब अंदर आए हैं तो इन्होंने मुझे कहा कि आप चले मेरे साथ, तो मैं ज़मीन पे बैठ गई। तो मैंने इसलिए ज़मीन पे बैठ गई तो मैंने कहा एक खातून होने ये हाथ तो नहीं लगाएंगे ना मुझे, और इसी उम्मीद से मैं ज़मीन पे बैठी रही। और इनको फिर एहसास हुआ क्योंकि इतनी देर में मीडिया पहुंच गया, उनको बताया, उन्हें जब मीडिया आया, वरना तो शायद उस वक्त भी मुझे उस वक्त भी घसीट के ले जाते। तो मैं आज खान साहब से ये नहीं, और वो बताए ना वो जो हमारी एमपीए है जी, मैं आपको हमारी नहीं जी सिर्फ एमपीए नहीं, वो जो हमारा वर्कर आपको पता है शहीद हुआ है लाहौर फैसल, उसकी बीवी, मैं उसके परसों उसके जनाजे पे जब गई तो उसकी बीवी ने रो रो के मुझे कहा कि मैडम मियाँ तो मेरा छुपा हुआ था क्योंकि ये डर था कि कोई वो ना हो छप। इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, मैं घर में अपनी बच्चियों के साथ ही मैं जानबाज में नमाज पढ़ रही थी, इन्होंने आके मेरी नमाज भी तोड़ी। और मैंने से पहला सवाल पूछा कि तुम्हारे साथ कोई, उनके साथ कोई लेडी पुलिस थी? उन्होंने कहा जी कोई लेडी पुलिस नहीं थी। और यही बात हमारी एमपीए जो हैं मेरे से भी 2-4 साल उम्र में बड़ी हैं, उनका घर के अंदर दरवाज़ा तोड़ के उनको बाकायदा घसीट के और उनको जेल लेके गए। तो मेरा ये मतलब है कि ये इस पाकिस्तान के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इस पाकिस्तान में जो पैदा पाकिस्तान में हुए, रह पाकिस्तान में रहे, हमारे बच्चे पाकिस्तान में हैं, ये जुल्म जो है एक हद तक ही हो सकता है। और मैं ये बताने लगी हूँ आपको कि ये क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर ख़ुद एक कातिल है ना, क्योंकि वो शेर अली साहब जो इनके ही पार्टी की थे, उन्होंने कहा 20 कत्लों से ज़्यादा इसने कत्ल किए हुए हैं, एक कातिल है, एक क्रिमिनल है, एक मुजरिम है, वो इसी किस्म की पॉलिसियाँ देगा। और फिर बाद के अंदर फिर इतरा के कहते हैं देखिया सी की कीते, तुमने आवाम को मार मार के हशर कर दिया, औरतों की बेइज्जतियां की, औरतों को मारा, उसके बाद तुम फख्र कर रहे हो उस बात पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।